क्या अन्नदाता की तभी सुनेंगे जब सड़क पर उतरेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हमने किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर हाल फिलहाल में डेरा डालते देखा। पंजाब के किसानों की अगुवाई में 1 साल तक चले उस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर उन किसानों का विरोध अब भी बना हुआ है। ऐसी किसानों और आदिवासियों की बेचैनी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में देखी गई। राज्य के नासिक के डिंडोरी से 12 मार्च 2023 को जन समूह के लाल सैलाब ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई की ओर कूच करना शुरू किया। 200 किलोमीटर लंबे इस मार्च में धुले, अहमदनगर के किसान आदिवासी भी बीच में जुड़ते चले गए। प्याज की कम कीमत और बेमौसम बरसात से किसानों को इस मौसम में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। प्याज उत्पादक किसानों की मुख्य तौर पर मांग है कि उन्हें 600 रुपए प्रति क्विंटल वित्तीय राहत सरकार की ओर से दी जाए, साथ ही 12 घंटे बिजली की सप्लाई का लिखित आश्वासन दिया जाए। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने 17 मार्च को प्याज किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। तब तक किसानों का मार्च मुंबई से 80 किलोमीटर दूर वासिंद तक पहुंच गया था। किसानों का कहना है कि फिलहाल उन्होंने अपना मार्च रोक दिया है, लेकिन अगर राज्य सरकार उनकी मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाती तो मुंबई के लिए पैदल कूच फिर शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे के मुताबिक किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वन अधिकारों, वन भूमि के अतिक्रमण, मंदिर ट्रस्टों से संबंधित भूमि और चराई के मैदानों को खेती के लिए किसानों को देने संबंधी 14 बिंदुओं पर बातचीत की गई। लेकिन अन्नदाता के लिए ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाती है कि उसे अपनी दिक्कतें बताने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। देशसभा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।